हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। ये हमारा म्यूज़िक का क्लास है। तो पिछले पीरियड में हमने क्या क्या सीखा था वो भी रिवाइज करेंगे, पर उससे पहले हमारा क्या रूल है क्लास का? यस, कोई नीचे मैट डालना है आपको, उस मैट पे बैठना है। सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आइज। अब हम गुरुस्तवन गाएंगे मेरे साथ, आपको गाना है। जॉइन योर हैंड्स। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती स्तवन। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रामृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माश्रुतशंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। रब योर हैंड्स, ओपन योर आईज। तो हमने पिछले पीरियड में क्या क्या सीखा था? हाँ, राग भूप की इन्फॉर्मेशन ली थी, राइट? हाँ, और ताल तीन ताल सीखा था, है ना? राग भूप की इन्फॉर्मेशन सबको लर्न हो गई है? ओके, तो आपने घर पे वो प्रैक्टिस की होगी, है ना? ठीक है, तो फिर से हम ताल तीन ताल देखते हैं। आपको देखना है, लिरिक्स भी देखने हैं और मेरे साथ वो ताल हाथ पे देना है। वो हाथ पे कैसे देना है वो भी मैंने आपको पिछले पीरियड में बताया था। ओके, तो आप अभी मेरे साथ वो ताल दोगे हाथ पे। आप देखोगे यहाँ पे कि बोल क्या है उसके। हाँ, और खाली कौन से मात्रे पे है? खाली नवे मात्रे पे है। और सम कौन से मात्रे पे है? सम एक मात्रे पे है। हाँ, राइट, ठीक है। चलो हम फिर हाथ पे देंगे ताल। स्टार्ट। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा और धा। हाँ, ये पूरा ताल खत्म होने के बाद हमको फिर से एक मात्रा पे आके वो ताल खत्म करना है, राइट? समझ में आ गया आपको? फिर से देंगे, अब नंबर वाइज काउंट करेंगे हम। हाँ, पहले नंबर देंगे सिर्फ हाथ पे। चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 1। फिर से ताल देंगे। स्क्रीन पे देखना है आपको कि लिरिक्स है यहाँ पे, लिरिक्स मतलब बोल है यहाँ पे, वो बोल देख के आपको मेरे साथ हाथ पे देना है। देखना है और पढ़ के देना है हाथ ताल पे। स्टार्ट। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। आ गया आपको ये ताल समझ में? आ गया होगा। हाँ, तो उस पे ही आधारित कौन सा राग भूप का सरगम गीत है जो इसी ताल पे बांधा गया है। हाँ, तो देखो, सा सा ध प ग रे सारे,
यहाँ पे अब आपको दिख रहा है कि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। स्थाई कहाँ से स्टार्ट हो रही है इसकी, राग धूप के सरगम की स्थाई कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कौन से मात्रे पे स्टार्ट हो रही है? देखो कौन सी मात्रा है ये, नौवीं मात्रा। नौवीं मात्रा मतलब खाली है वहां पे, है ना। तो खाली से ये सरगम गीत स्टार्ट होता है, मतलब स्थाई कहाँ से स्टार्ट होती है, खाली से। हाँ, अब ये पूरा आप देख लो पहले, और आपके पास कोई नोट्स हो गए तो उस पे आपको ये लिखना भी है। देखो राग भूप में कौन से वर्जित स्वर है, मैंने बताया था म और नी, ये दोन सुर नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो सुर, म और नी ये सुर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये कौन से सुर है, वर्जित सुर है, राइट। चलो फिर अभी हम मैं पहले सुनाती हूँ आपको, फिर आपको मुझे वो फॉलो करना है। पहले आप सुनोगे अच्छे से। देखो मैं अभी कौन सा गा रही हूँ, स्थाई मतलब नौवीं मात्रा से गा रही हूँ, मैं इतना ही पोर्शन आपको बताऊंगी, ओके। पहले ये बताऊंगी, फिर बाद में वो बताऊंगी, फिर मिलके सब गाएंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे ये नोटेशन यहाँ पे है, हर ब्लॉक में कितने बीट्स है, 4 बीट्स है। हाँ, ऐसे कितने ब्लॉक्स है, 4 ब्लॉक्स है, 4 ब्लॉक्स है, और हर ब्लॉक में कितने बीट्स है, 4 बीट्स है, और सुर भी कितने हैं, 4 है। आ गया समझ में, ठीक है। चलो फिर हम गाते हैं, सा सा ध प, सा सा ध प। अब आपको मेरे साथ गाना है, सा सा ध प, और एक बार सा सा ध प। अब नेक्स्ट बताती हूँ, ग रे सा रे, ग रे सा रे, सिंग विथ मी, ग रे सा रे, रिपीट, ग रे सा रे। अब ये दोनों मिलके हमको गाना है, मतलब नौवीं मात्रा से 16 मात्रा तक, सा सा ध प ग रे सा रे, ये हमको गाना है अभी। सिंग विथ मी, सा सा ध प ग रे सा रे, और एक बार गाएंगे, सा सा ध प ग रे सा रे। आ गया समझ में, ठीक है। अब यहां आपको दिख रहा है कि ग डैश प ग, है ना, यहाँ पे दिख रहा है, तो यही सुर हमको यहाँ पे गाना है, पर वो स्पेसिफाइड नहीं करना है, ग प ग ऐसे हमको गाना है, मतलब यहाँ पे गैप है, इसलिए यहाँ पे क्या किया है, हाँ, तो ग प ग ऐसे गाएंगे। यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पे भी गैप है, है ना, यहाँ पे, तो ये कैसे गाएंगे, ग प ग ध प ग ध प ग, देखो ध प ग, 4 बीट्स आ गए हैं। यहाँ पे गैप भी होगा, फिर भी ये कितने काउंट होते हैं बीट्स, 4 बीट्स। तो अब देखते हैं यहाँ पे, पहले सुनो मेरा, ग प ग ग प ग, सिंग विथ मी, ग प ग, रिपीट, ग प ग, आ गया, ध प ग ध प ग, सिंग विथ मी, ध प ग ध प ग। अब देखो ये पूरा गाएंगे, अब कहां तक, सा सा ध प ग रे सा रे,
ग प ग ध प ग यहां तक गाएंगे पूरा सिंग विथ मी सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग और एक बार गाएंगे आगे का सीखेंगे सुनो पहले अच्छे से ग प ध सा ग प ध सा सिंग विथ मी ग प ध सा रिपीट ग प ध सा रे सा ध प अब हम क्या गाएंगे ग प ध सा रे सा ध प ग प ध सा रे सा ध प रिपीट ग प ध सा रे सा ध प और एक बार ग प ध और लास्ट क्या रह गया अब सा प ध प ग रे सा हाँ वो जो गैप है वो हमको वही सुर आगे लेना है पर वो स्पेसिफाइड नहीं करना है चलो लास्ट सुनो अच्छे से सा प ध प सा प ध प सिंग विद मी सा रिपीट सा प ध प ग रे सा ग रे सा सिंग विथ मी ग रे सा ग रे सा अब हम स्थाई पूरी गाएंगे मतलब कहां से स्टार्ट होगी यहां से स्टार्ट होगी यहां आएगी फिर ये लिया जाएगा ग ग प ग ध प ग ग प ध सा रे सा ध प सा प ध प ग रे सा समझ में आया ठीक है अब देखो आप ये अभी पढ़ रहे हो पर ये भी आपको लर्न करना है ये लर्न करोगे तो अच्छा होगा आपके लिए अगर राग भूप का कोई सरगम गीत आपको पूछेगा तो ये आपको आना चाहिए ना है ना राग भूप का इंट्रोडक्शन आपको अगर कोई बताने के लिए बोला किसी ने तो आपको वो बताने के लिए आना चाहिए अब स्थाई गाएंगे हम पूरी सा सा ध प ग ग प ग ध प ग
अब हमने स्थाई गाई है। देखो मैंने क्या किया अभी तक, अभी क्या किया मैंने कि ये पूरा गाया और यहाँ पे एंड किया, है ना। क्यों एंड किया? क्योंकि खाली से ये स्टार्ट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एंड किया। फिर से यहाँ से स्टार्ट करके मैंने यहाँ पे आके छोड़ दिया ताकि हम फिर से खाली से उठा सके इसको, ठीक है। अब देखो अंतरा भी खाली से ही है, तो अंतरा भी हमको वैसे ही गाना पड़ेगा, खाली से ही। तो पहले मेरा सुनो अच्छे से, फिर आपको गाना है मेरे साथ। ग ग प ध प सा सा ग ग प ध ग ग प ध सिंग विथ मी ग ग प ध प सा सा सिंग विथ मी प सा सा रिपीट प सा और एक बार ये पूरी लाइन ग ग प ध प सा सा सिंग विद मी ग ग प ध प सा सा अब नेक्स्ट ध ध सा रे ध ध सा रे आपको गाना है मेरे साथ ध ध सा रे रिपीट ध ध सा रे गा रे सा गा रे सा आपको गाना है गा रे सा। अब क्या गाएंगे? ध ध सा रे ग रे सा आ, हम ये पूरी गाएंगे। ध ध सा रे गा रे सा रिपीट ध ध सा रे गा रे सा नेक्स्ट गा गा रे सा गा गा रे सा सिंग विथ मी गा गा रे सा रे गाएंगे कौन सी गा गा रे सा रे रे सा धा। चलो स्टार्ट गा गा रे सा रे रे सा धा। अब सुनो अच्छे से सा सा धा प सिंग विद मी सा सा धा प ग रे सा आपको अंतरा आ गया है तो स्थाई भी गानी है और अंतरा भी। तो पहले क्या करते हैं हम, फिर सिर्फ अंतरा पूरा गाते हैं, फिर स्थाई और अंतरा मिलके गाएंगे। पहले अंतरा गाएंगे, कहां से स्टार्ट है? खाली से। चलो स्टार्ट ग ग प ध प सा सा ध ध सा तक आ गए। अब अंतरा होने के बाद हमको स्थाई की फर्स्ट लाइन गानी होती है, मतलब सा सा ध प ग रे सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग। यहां तक आपको गाना होता है। अब ये पूरी मिलके गाएंगे, स्थाई और अंतरा दोनों मिलके गाएंगे। चलो स्टार्ट सा सा ध प
ठीक है, तो आपको ये घर पे लर्न करना है. अब हम हमारे घर में सब हमारे घर में गणपति बप्पा बैठा होगा, है ना, तो हमको गणपति का गाना भी सीखना है ना. आपको सीखना है गाना गणपति का, तो सीखेंगे अभी हम गणपति का गाना. हाँ, तो गणपति का गाना भी सीखेंगे आज हम. तो पहले ये कौन सा गाना है, ये संस्कृत भाषा में गाना है, तो मैं बताऊंगी आपको कि उसके मतलब अर्थ भी बताऊंगी मैं आपको हिंदी में, वो संस्कृत का क्या है. वो स्तोत्र है गणेश पंचरत्नम, ये नाम है स्तोत्र का. हाँ, तो अभी हम सीखेंगे क्या है, पहले पढ़ेंगे हम स्तोत्र. हाँ, मेरे पीछे पीछे आपको वो स्तोत्र बोलना है. मुदा मुदा करात करात मोदकम मोदकम सदा सदा विमुक्ति विमुक्ति साधकम साधकम कला धराव कला धराव तमसकम विलासी विलासी लोक लोक रक्षकम रक्षकम अनायकैक अनायकैक नायकम नायकम विनाशितेभ विनाशितेभ दैत्यकम दैत्यकम नताशुभाशु नताशुभाशु नाशकम नाशकम नमामि नमामि तम विनायकम विनायकम. ठीक है, तो पहले ये देखो, मुदा करात मोदकम मतलब क्या, कि गणपति के हाथ में, कर मतलब हाथ, हाँ, मुदा मतलब मोदक, नहीं मुदा मतलब मूठ, जो हमने हाथ जब हम जोड़ हम जब पकड़ते हैं हाथ कुछ पकड़ते हैं हाथ से तो ऐसे होता है ना हमारा हाथ, तो उसको मुदा करात मोदकम मतलब उसने उस गणपति बाप्पा में गणपति बाप्पा ने उनके हाथ में मोदक लिया है. सदा विमुक्ति साधकम मतलब हर साधक को गणेश बाप्पा मुक्ति देते हैं. कला धराव तमसकम मतलब हर कला का वो अधिपति माना गया है गणपति बाप्पा. विलासी लोक रक्षकम लोगों का रक्षण करते हैं वो. न्याय देने का काम गणपति बाप्पा करते हैं और जो बुरे लोग होते हैं उनको शिक्षा भी करते हैं. नता शुभाशु नाशकम नमामि तम विनायकम मतलब वही मैंने बताया कि बुरे लोगों का वो नाश करते हैं, मतलब दैत्यों का नाश करते हैं, इसीलिए ऐसे गणपति बाप्पा को हम वंदन करते हैं. नमामि तम विनायकम. हाँ, समझ में आया. चलो फिर हम गाएंगे. अब पहले मेरा सुनोगे फिर आप गाओगे, राइट. चलो, जय गणेश जय गणेश. आपको गाना है मेरे साथ, जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाही माम जय गणेश पाही माम. सिंग विथ मी, जय गणेश पाही माम जय गणेश पाही माम. सिंग विथ मी, जय गणेश पाही माम जय गणेश जय गणेश. सिंग विथ मी, जय
जय गणेश जय गणेश रक्ष माम जय गणेश रक्ष माम सिंग विथ मी जय गणेश रक्ष माम स्टार्टिंग से गाएंगे पहले मेरी पूरी लाइन सुनो जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम आपको गाना है मेरे साथ जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि माम जय गणेश जय गणेश रक्ष माम जय गणेश जय गणेश रक्ष माम सिंग विथ मी जय गणेश जय गणेश रक्ष माम और एक बार जय गणेश जय गणेश पाहि माम जय गणेश जय गणेश पाहि माम सिंग विथ मी देखो क्या वर्ड्स है जय गणेश जय गणेश पाहि माम जय गणेश जय गणेश रक्ष माम यही लाइन हम तीन बार गा रहे हैं कैसे गाई पहली जय गणेश जय गणेश पाहि माम जय गणेश जय गणेश रक्ष माम जय गणेश जय गणेश पाहि माम सुनो अच्छे से जय गणेश जय गणेश पाहि माम सिंग विथ मी जय गणेश जय गणेश पाहि माम जय गणेश जय गणेश सिंग विथ मी जय गणेश जय गणेश रक्ष माम रक्ष माम सिंग विथ मी जय गणेश रक्ष माम पूरा गाएंगे अभी यहाँ तक चलो मेरे साथ गाना है आपको जय गणेश जय गणेश पाहि माम जय गणेश जय गणेश रक्ष माम जय गणेश जय गणेश पाहि माम जय गणेश रक्ष माम आ गया ठीक है अब जो मैंने अभी अर्थ सिखाया था श्लोक का उसकी पहली लाइन सीखते हैं मुदा करात मोदकम सिंग विथ मी मुदा करात मोदकम सदा विमुक्ति साधकम सिंग विथ मी सदा विमुक्ति साधकम कला धराव तमसकम विलासी लोक रक्षकम तो यहाँ तक सिर्फ टू लाइन ही हमने सीखा है श्लोक का ऐसा ये जो गणेश पंचरत्नम है ये बहुत बड़ा है हाँ तो हम सीखेंगे ये पूरा तो नेक्स्ट पीरियड में हम ये पूरा सीखेंगे राइट ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में थैंक यू